हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए चलते हैं और पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी की बहन। दोस्तों, मैं सवाल पे आने से पहले मैं आपको कुछ संकेतों के बारे में बता देता हूँ जो ब्लड रिलेशन में यूज होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला संकेत, आप इसे नोट कर लीजिए कॉपी पर। पहला संकेत है दोस्तों गोला। गोले का हम यूज़ करेंगे दोस्तों लेडीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, लेडीज़ के लिए, ठीक है, लेडीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे गोले का यूज। और ट्रायंगल का यूज़ करेंगे दोस्तों हम जेंट्स के लिए ट्रायंगल का। पुरुष के लिए हम ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, पुरुष के लिए ट्रायंगल का, और महिलाओं के लिए हम स्फीयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, वन जनरेशन गैप के लिए दोस्तों, वन जनरेशन गैप के लिए हम एक एक लाइन का, एक छोटी सी लाइन का यूज़ करेंगे, ओ बी ऐसे सीधे। ठीक है दोस्तों, सीधे यूज करेंगे। ठीक है, और मैरिड मैरिड के लिए दोस्तों, मैरिड के लिए हम डबल बांड का यूज़ करेंगे। मैरिड के लिए डबल बांड का यूज़ करेंगे, डबल बांड का ऐसे। ठीक है दोस्तों, और मतलब ऐसी पीढ़ी जिसमें कोई गैप ना हो, जैसे मैं और मेरा भाई, ठीक है, जैसे मेरे पिता और मेरे चाचा, तो उनके बीच कोई जनरेशन गैप नहीं है, वो समान पीढ़ी के हैं, तो इनके लिए एक एक सिंगल बांड का ऐसे यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार आपको, महिलाओं के लिए दोस्तों गोले का, और पुरुषों के लिए दोस्तों ट्रायंगल का यूज करेंगे, पुरुषों के लिए दोस्तों ट्रायंगल का यूज करेंगे, और मैरिड के लिए दोस्तों डबल बांड का यूज करेंगे। वन जनरेशन गैप के लिए, जैसे मैं और मेरे पिता के बीच वन जनरेशन गैप है, तो उसके लिए सिंगल बांड का यूज करेंगे, वो भी ऐसे सीधे। और क्या कहते हैं, मतलब मैं और मेरे भाई के बीच जो है वन जनरेशन गैप है, तो वहाँ पर हम सिंगल बांड का यूज करेंगे, वह भी ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। देखो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को हमको समझना पड़ेगा अच्छे से। क्वेश्चन को हमें दोस्तों हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ए बी की बहन है, यानी कि ए बहन है बी की दोस्तों, यानी कि ए बहन है, तो ए को हम ऐसे स्फीयर से लगा देंगे। बी की बहन है दोस्तों, बी को ऐसे लिख देंगे। बी का देखिए जो दोस्तों जेंडर क्लियर नहीं है, बी का पता नहीं है या जेंट्स है या फिर मतलब मेल है या फिर फीमेल है दोस्तों, या मेल है या फिर फीमेल है, मतलब पुरुष है या स्त्री, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। और ब्लड रिलेशन में जब तक जेंडर क्लियर ना हो, हम अपने से कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, बी की शादी डी से हुई है। बी इज़ मैरिड टू डी। बी की शादी डी से हुई है। डी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन आगे कह रहा है बी और डी की पुत्री जी है, यानी कि इन दोनों का पुत्री कौन है, जी है। तो अब जी जी इसकी पुत्री है, यानी कि इसकी भी पुत्री है, तो मैं इसकी पुत्री इसके नीचे लगा दे रहा हूँ जी। ठीक है दोस्तों, इसकी पुत्री और इसके बीच वन जनरेशन गैप है, इसके लिए मैं ऐसे एक सिंगल बांड ऐसे लगा दिया। ठीक, और यह बहन है, ए बहन है बी की, यानी कि इसके बीच कोई जनरेशन गैप नहीं है, इसलिए मैं सिंगल बांड का यूज़ किया हूँ। ठीक है, यह दोनों मैरिड है, यानी इसलिए इनके भी डबल बांड का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए कुछ कोई कोई मतलब फिगर का यूज मैंने नहीं किया, ना ट्रायंगल का ना स्फीयर का। अब आगे बोल रहा है, जी का ए से क्या संबंध है दोस्तों। जी का ए से, यानी कि जी क्या लगती है या लगता है, या पुत्री है दोस्तों, तो ऐसे इसको स्फीयर से ढक देंगे। जी क्या लगती है ए की क्या लगती है, जी क्या लगती है दोस्तों। तो देखिए, जी क्या लगेगी, अगर जी अगर इसको हम पिता माने, ठीक है, अगर इसको माने मेल है, ठीक है, इसको माने मेल है, तो इसकी बुआ लगेगी, ये जो बुआ लगेगी जी की, तब भी यह भतीजी हुई। ठीक है, अगर इसको हम माने फीमेल माने दोस्तों, फीमेल माने, तो यह उसकी मौसी लगेगी। ठीक है दोस्तों, मौसी लगी, तब भी यह क्या लगेगी, भतीजी, भतीजी लगी, यानी कि हर कंडीशन में क्या लगेगी, भतीजी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप एक बार खुद से लगाने का प्रयास जरूर करें, तो आपको पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, ए बी और के की माता है दोस्तों। ए जो है बी और के की माता है, तो देखिए ए माता है बी और के की, यानी कि बी और के सिंगल बांड से जुड़ेंगे, क्योंकि वन जनरेशन मतलब इनके बीच कोई जनरेशन गैप नहीं है, तभी ने इसकी माता, इन दोनों की माता ए है, यानी कि ये भाई बहन भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर दोनों बहनें हो सकती हैं, फिर दोनों भाई हो सकते हैं, हमें आगे पता चलेगा। ठीक है, आगे हमको पढ़ने पर पता चलेगा। तो यह माता है, यानी कि मैं बी के ऊपर लगा दे रहा हूँ ऐसे, वन जनरेशन गैप का
वन जनरेशन गैप का मार्क, ठीक है, और इनके बीच कोई जनरेशन गैप नहीं है, इसके लिए एक बाण का यूज कर दिया मैंने, सिंगल बाण का। और आगे बोल रहा है डी ए का पति है, यानी कि डी जो है पति है, पति के लिए, यानी कि पति मेल होता है, मेल के लिए मैं ट्राइंगल का यूज करूँगा दोस्तों। मेल के लिए मैं क्या यूज करूँगा, ट्राइंगल का, मैं ट्राइंगल ऐसे बना दिया। तो जब यह पति यानी कि मैरिड है तो इनके बीच डबल बाण का यूज होगा, जब एक मेल हो गया तो एक फीमेल होगी दोस्तों, तो ए क्या हो गई, फीमेल हो गई, यानी कि ए जो है माता है बी और के, दोनों की माता है, ठीक है। ये पहले ही क्लियर हो गया था दोस्तों, पहले ही सवाल में पहले ही दे दिया था, ठीक है दोस्तों, तो हमें क्लियर करने की जरूरत नहीं थी, तो सवाल में पहले ही दे दिया था। तो ए बी और के की माता है, डी ए का पति है, ठीक है, ये अभी क्लियर होगा, हो गया। ई ई डी का, डी के भाई का लड़का, यानी कि डी के भाई का लड़का है, तो इससे हम अच्छे से बना लेते हैं, इधर इधर अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे ए है, ठीक है दोस्तों, इसकी शादी डी से हुई है, ठीक है, और इसकी पुत्र, इसके मतलब संतान जो है बी और के है, ठीक है। तो डी के भाई का पुत्र, डी के भाई का पुत्र क्या है दोस्तों, कौन है, डी के भाई का पुत्र ई है, ठीक है, ई यानी कि ई पुत्र है, यानी कि इसके लिए ट्राइंगल का यूज करेंगे, ठीक है। तो ए का ई से क्या संबंध है, यानी कि पूछ रहा है सवाल में हमको ए का ई से क्या संबंध है, यानी कि ए क्या लगती है ई ई की, तो क्या लगती है दोस्तों, जब ई का पुत्र, ई का पिता डी का भाई है, यानी कि डी क्या लगेगा, चाचा लगेगा ई का दोस्तों, जब डी का भाई ई का पिता है तो डी क्या लगेगा, चाचा लगेगा, चाचा की पत्नी क्या लगेगी दोस्तों, चाची लगेगी, यानी कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, चाची सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, ए और बी का भाई, ए और बी का भाई दोस्तों, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, ठीक है दोस्तों, ए और बी भाई रहेगा ऐसे, ए और बी भाई हैं, ठीक है दोस्तों, ए और बी भाई हैं, सी और डी बने हैं, यानी कि ए और बी भाई हैं दोस्तों, यानी कि इनको ट्राइंगल से हम ढक देंगे, ए और बी भाई हो गए, सी और डी बने हैं, यानी कि इनको स्फेयर से बने हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र दोस्तों, ए का पुत्र डी का भाई है, यानी कि डी का भाई, यानी कि डी का भाई हो जाएगा, यानी कि सी का भी भाई होगा, ठीक है दोस्तों, यह बात क्लियर करें आप, यानी कि कह रहा है आगे, ए का पुत्र मैंने बना दिया इमेजिनरी पर्सन, इनके बीच वन जनरेशन गैप होगा, इसलिए इसको ऐसे एक सिंगल बाण से वो भी लंबवत ऐसे मैंने लगा दिया है, ठीक, इन सब के बीच वन जनरे मतलब कोई जनरेशन गैप नहीं होगा, इसलिए सिंगल बाण को ऐसे लगाया मैंने, ए का पुत्र, पुत्र मैंने मान लिया, डी का भाई यानी कि सी का भी तो भाई होगा दोस्तों, सी का भी भाई होगा, तो बी का सी से क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों, और यह दोनों क्या है दोस्तों, यह दोनों क्या है, यह दोनों भाई हैं, यह दोनों भाई हैं दोस्तों, तो सी का बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है दोस्तों, तो बी क्या लगेगा दोस्तों, चाचा लगेगा, ठीक है, चाचा लगेगा दोस्तों, चाचा लगेगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देख लीजिए आप, देख लीजिए, भाई का पुत्र, भाई का दोस्तों पुत्र क्या लगता है, भतीजा, यानी कि भतीजा, भतीजा जो है क्या लगे, क्या कहेगा अपने पिता के भाई को, चाचा कहेगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, पी पति है क्यू का, यानी कि पी दोस्तों पति हो गया क्यू का, पी पति हो गया दोस्तों क्यू का, यानी क्यू को हम स्फीयर से ढकेंगे, क्योंकि दोस्तों पी जब पति है यानी कि मेल है तो फीमेल हो जाएगा, क्यू का और आर माता है, यस और क्यू का, यानी कि आर जो है माता है, यस और क्यू का, आर दोस्तों अब यहाँ पर बना लेते हैं अच्छे से दोस्तों, आर माता है दोस्तों, आर जो है माता है, यस और क्यू का, यस और क्यू का, यानी कि ये दोनों भाई या बहन या फिर कुछ भी होगा, इनका रिलेशन आगे हमें पता चलेगा, यस और क्यू का दोस्तों माता है, ठीक है। इसमें आगे बोला था पहले ही पी पति है क्यू का, यानी कि यहाँ पे यह फीमेल है तभी इसका पति जो है मेल होगा दोस्तों, यानी कि यह रिलेशन आपको पता चल गया, ठीक है। तो बोला आर से पी का संबंध क्या है, आर से पी का संबंध दोस्तों बताना है हमें, पी क्या लगता है आर का, तो दोस्तों आर की पुत्री या फिर पुत्र जो भी, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर नॉट क्लियर दोस्तों, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन इसका जेंडर तो क्लियर है, यानी कि आर की पुत्री क्यू हो गया, और क्यू का पति क्या है दोस्तों, पी है, यानी कि जब आर आर की पुत्री क्यू है और क्यू का पति पी, यानी कि दामाद लगेगा दोस्तों आर का,
दामाद लगेगा दोस्तों, लेकिन दामाद इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप बना लेंगे दोस्तों, ठीक है बना लेंगे। या फिर इसे लिख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं दोस्तों, नॉट अवेलेबल, ठीक है दोस्तों, मतलब नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नन ऑफ दीज लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन क्वेश्चनों को आप एक बार ज़रूर खुद से बनाएं तो आपको आसानी होगा दोस्तों, ठीक है। बी का भाई ए है, ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन अगला है, पाँचवा क्वेश्चन है। बी का भाई ए है, यानी कि बी का भाई मैंने बना दिया ए है, ट्राइंगल में जाएगा क्योंकि भाई है। आप इसको क्लियर करें, बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री दोस्तों बी है, ये बी स्फीयर में रहेगा, और ए का पिता डी है, ए का पिता दोस्तों डी है, यानी कि डी को ऐसे में बना दूंगा। तो सी तो दोस्तों सी सी डी है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप इन दोनों को आप साथ में लीजिए, ठीक है, इन दोनों को आप साथ में लीजिए। बी का भाई ए है, बी का भाई दोस्तों ए है, और ए का पिता जो है डी है, ठीक है, बी का भाई ए है, तो यहाँ पे बना लीजिए ए, बी का भाई ए हो गया दोस्तों, और ए का पिता डी है, ठीक है दोस्तों, ए का पिता डी है, और आगे बोला है सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री दोस्तों बी है, यानी कि सी की जब पुत्री बी हो गया तो सी जो है ए की भी तो माँ होगी दोस्तों। आप क्लियर करिए खुद खुद के अपने डाउट को। जब ये दोनों भाई बहन है या फिर कुछ भी है, मतलब भाई बहन तो हैं, भाई बहन है, जब सी की पुत्री बी है दोस्तों, जब सी की पुत्री बी है यानी कि सी जो है ए की भी माता होगी, यानी कि यह दोनों दोस्तों एक दूसरे मैरिड हैं, यानी कि यह माता हो जाएगी। तो सी डी डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि यह उसकी पत्नी, यानी कि सी जो है डी की पत्नी है दोस्तों, ठीक है। सी डी से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों यह पांच महत्वपूर्ण प्रश्न थे ब्लड रिलेशन के, उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।